हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर रोड्स का कॉमिक विशेषांक बिजनेसमैन का पहला भाग। ठहरो चार फुटियों, आज इंस्पेक्टर मेरा मतलब कांस्टेबल छलांग सिंह तुमको नहीं छोड़ेगा। तुमने मुझे इंस्पेक्टर से कांस्टेबल बनवा दिया, आज छलांग सिंह तुम चारों को पकड़कर कांस्टेबल से फिर इंस्पेक्टर बन जाएगा। अफ, ये पुलिस वाला कहाँ से आ गया, हमारी हीरोइन मारी जाएगी। अरे ये हम कहाँ फंस गए, माफिया गैंग भी हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं और पुलिस जी भी। हम सीधे साधे टोट तो सिर्फ बनना चाहते थे बिजनेस मैन। संजय गुप्ता की पेशकश, कथा अनुपम सिन्हा, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन दिलीप चौबे, सहकार विनीत। फाइटर टोट्स के पास दो ही काम है, आराम या मारामारी। तू सोच रहा है कार्टर, ये गंदी आदत तुझे कहां से लग गई। यार कल कंप्यूटर से सटकर सो गया था, उसी का असर होगा। पर मैं सोच जो सोच रहा था, वाह वाह क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था, यही कि हम कितने काम के टोड हैं। सारे देश को आज मेडको पर नाज होगा, साल का एक दिन वे टोड दिवस के रूप में मनाएंगे। टोड दिवस 30 फरवरी, आखिर हमने अपने देश की रक्षा की है ना। यार तेरी बात में दम तो है, हम हैं तो बड़े काम के। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम के टोड, ओ लोगो बड़े काम के टोड। सुन, सूखे कुएं वाले रास्ते की तरफ से कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। नास पीठे निठल्ले, आज तूने 50वीं खाट तोड़ दी। अरे शर्म कर, डूब मार इस कुएं में। पर माई इसमें तो पानी ही नहीं, सूखा है, कुछ गड़बड़ है यारो। हमको बाहर चलकर देखना होगा, फटाफट कोट हैट पहन लो, गटर के रास्ते से बाहर चलेंगे। बाहर का दृश्य टोर्स के लिए चकित कर देने वाला था। अरे तो कौन है बुढ़िया, और इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है, और वह भी जूते से, चटाक। अरे बुढ़िया होगी तेरी माँ, मेरे बाल तो सफ़ेद रसगुल्ले का रस गिरने से सफ़ेद हो गए हैं, और ये हट्टा कट्टा 25 साल का जवान तुझे बच्चा लग रहा है, टोपी सिर पर लगाई है आँख पर। यार ये तो हम पर ही चढ़ बैठी, हम तो मामला सुलझाने आए थे। इससे पहले कि हम खुद ही उलझ जाए, पतले गटर से निकल लो। चल यार, हमको क्या पड़ी है जूते से मार खाने की। अरे रुको, हम किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते, और फिर ये हमारे कुएं में डूब मरा तो आफत हो जाएगी। हाँ माई बताओ, इस लड़के को क्यों पीट रही हो। क्योंकि ये निकम्मा है, निठल्ला है, बेला है, ठलुआ है, आवारा है। ओ, इतनी खूबियां हैं इसमें, फिर भी इसे मार रही हो। खूबियां, निकम्मा वो होता है जो काम धाम नहीं करता, कुछ नहीं कमाता, वह तो हम भी नहीं कमाते। निठल्ला वह होता है जो खुद कमाकर नहीं बैठे बैठे खाता है, वह तो हम भी खाते हैं। आवारा वह होता है जो इधर उधर घूमता रहता है और झगड़े करता रहता है, वह तो हम भी करते हैं। यार इसका तो मतलब हुआ कि हम भी निठल्ले हैं, कल कोई हमको भी जूते से मारेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम जूते से मार नहीं खाएंगे। अरे डरता क्यों है, हमारी तो कोई माँ है ही नहीं। अरे अभी इस बूढ़ी माँ को पता चलेगा कि हम भी निठल्ले हैं तो अपने बेटे के साथ साथ हमको भी पीटने लगेगी, तो क्या करें। चल सूखे कुएं में डूब मरते हैं, रुक मास्टर हम भी मरने आ रहे हैं। देख निठल्ले, तुझे जो बचाने आए थे वो मेरे डर से खुद भी भाग खड़े हुए, अब तू भी कूद जा इस कुएं में और मर जा। मैं कूदूंगा तो मर जाऊंगा माई, ये चारों तो भूत थे, भूत भूत। हाँ देखा नहीं कैसे इस बियाबान में हमारे पीछे आकर खड़े हुए थे, और अब भी तुझे यकीन नहीं आता, कुएं में झांक कर देख ले। कुएं में झांकते ही माई के होश फाकता हो गए। अरे कहाँ गए, अभी अभी तो इसी में कूदे थे। मैंने कहा ना कि मुझे बचाने भूत आए थे। माई की किस्मत में बुढ़ापे में दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना लिखा था, भूत भूत बचाओ। रुक जा माई, मैं भी आ रहा हूं। फाइटर टोर से अनजाने में ही सही लड़के की पिटाई बंद करा दी थी। अब मैं तुझे कभी भी नहीं पीटूंगी मेरे लाल गोपाल। मेरी अच्छी माई, अब रोटी देना, वरना क्या पता इसके दोस्त भूत अब की बार मुझे ही पीटने लगे। लड़के की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन टोट्स के लिए एक भयंकर समस्या खड़ी हो गई थी। कुएं के अंदर बने रास्ते से गटर में आने के बाद, यार मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, हम तो निठल्ले हैं। हाँ हम कुछ कमाते धमाते नहीं हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी आवारागर्दी करते हैं, और बदमाशों की पिटाई करते रहते हैं, यानी लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम तो बेकार हैं यार, हम तो निठल्ले हैं, निठल्ले। रो मत मेरे दोस्त, रो मत, हम निठल्ले नहीं, हम कोई काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, आवारागर्दी नहीं करेंगे। पर ये सब हम करेंगे कैसे। अबे चुप, हम तो सोच रहे थे कि तुझसे पूछेंगे, और तू हमसे ही पूछ रहा है, हमें क्या पता। शांत शांत टोट भाइयों, जब हमको कुछ समझ में नहीं आता तो हमको सलाह कौन देता है। तौकी जी, डॉक्टर तौकी को खुद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हाँ बताओ तुमको क्या हुआ। का बताएं डॉक्टर दीन जी, हमका तो कुत्ते ने मारी डाला। तुम्हारी ये हालत है कुत्ते ने की है। नहीं, कुत्ता तो शरीफ रहा, सिर्फ एक बार धीरे से काटा रहा,
ये तो आपके अस्पताल के डॉक्टरन ने किया है। डॉक्टरों ने? वह कैसे? वो कहा है कि हम कुत्ता काटे का इंजेक्शन लगवान आए रहे। इंजेक्शन लगा तो हमारे शरीर में जलन शुरू हो ही गई। जलन खत्म करने वास्ते डॉक्टर जी हमका एक गोली दिए। वो गोली हम खा गए तो हमारी ई हालत हुई गई। अब तो हम सोचते हैं कि हमका कुत्ते ने ज्यादा जोर से काटा कि आपके अस्पताल के डॉक्टरन ने। अच्छा देखें तो कि तुमने कौन सी गोली खाई थी? ई लीजिए, हम तो ई का उसी डॉक्टर को खिलाने वास्ते लाए रहे। दवाई तो ठीक है, एंटी एलर्जिक गोली है, इससे तुमको रिएक्शन कैसे? अरे ये दवाई तो नकली लगती है, मैंने कल ही केमिस्ट की दुकान पर इस दवाई को देखा था। उस गोली का रंग तो दूसरा था, पर ये तो हमारे अस्पताल से दी जाने वाली दवाई है, ये नकली कैसे हो सकती है? का हुआ डॉक्टर धरनी जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा करो मैं दूसरी दवाई लिख कर देती हूँ, तुम उसे बाजार से खरीद कर खा लेना, एकदम ठीक हो जाओगे। तौकी तुरंत अस्पताल के डायरेक्टर के पास जा पहुंची। अरे ये क्या हो रहा है, डॉक्टर शर्मा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। क्या बताऊं डॉक्टर टोकी, जमाना बड़ा ख़राब आ गया है, समझ में नहीं आता कि किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। अब देखो ना, डॉक्टर शर्मा जैसे ईमानदार पर भरोसा करके मैंने उनका अस्पताल के लिए सामान लाने को 2 लाख रुपए दिए थे, कमबख्त उसी का गबन कर गया। ये तो बहुत बुरी बात है सर। हाँ है तो, पर भरोसा तो करना ही पड़ता है ना, वरना अस्पताल का सामान लेने क्या मैं भागता फिरूंगा। खैर बताओ तुम किस लिए आई हो? इसलिए सर, ये देखिए हमारे अस्पताल से नकली दवाइयाँ मरीजों को दी जा रही हैं। व्हाट, नकली दवाई हमारे अस्पताल में? नकली दवाई, एक और स्कैंडल। ओ ये अस्पताल तो अब चोरों का अड्डा बनता जा रहा है। पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ हमारे अस्पताल के लिए एक नया थाना खोलना पड़ेगा। खैर इसे मेरे पास छोड़कर जाओ, मैं छानबीन करता हूँ, पर अब मैं किस पर भरोसा करूँ, किसको भेजूँ सामान लाने के लिए? तौकी हाँ, तुमसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी मेरा मतलब कर्मचारी मुझे कहाँ मिलेगा? अस्पताल के लिए अर्जेंटली कुछ सिरिंज और सर्जिकल यंत्र लाने, मैं तुमको 5 लाख रुपये दे देता हूँ। पर मैं बस बस अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगा, ये लो 5 लाख रुपये, चाहे तो गिन लो, पर इनको अपने घर ले जाओ। इस अस्पताल में चोरों की तादाद बहुत है, मैं अपनी गाड़ी में तुमको घर भिजवा देता हूँ, वहाँ जाकर फ्रेश हो लो, फिर सामान लेने चली जाना। कुछ सामान आज ले आना और कुछ सामान कल, और अगर पैसे बचे तो फिलहाल अपने पास ही रखना। सर वो देखिए, कोई हमारी बातें सुन रहा है। कहाँ? वहाँ पर सर, डायरेक्टर साहब तुरंत पीछे घूमे। कहाँ? वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ओ शायद कोई बाहर से गुजर रहा होगा, उसकी परछाई शीशे पर पड़ी होगी। खैर जब आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी दी है तो मैं उसे निभाने का पूरा प्रयास करूंगी, कम से कम अस्पताल में नकली सामान तो आना बंद हो जाएगा। गुड गुड, तुमने मेरे सिर का बोझ हल्का कर दिया तौकी, अब मैं आराम से नकली दवाइयों के चक्कर की छानबीन करूंगा। तौकी को डायरेक्टर साहब की गाड़ी ने जल्दी ही उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा दिया। ये ब्रीफकेस मैं ऊपर तो पहुंचा दूं मैडम? नहीं, इसे मैं खुद ही ले जाऊंगी। तौकी ने अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। तौकी जी आप कैसी हैं? हम आ गए। हम तो ठीक ठाक नहीं हैं। ओह तुम लोग हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पर तुम लोग अंदर कैसे आए, अपार्टमेंट तो बंद था। हम तो पाइप से चढ़कर आए, किचन की खिड़की खुली थी उसी से हम अंदर आ गए। ओ अच्छा, बताओ ऐसे ही मिलने आए या कोई काम है? और ये कंप्यूटर क्या कह रहा था कि हम ठीक ठाक नहीं हैं? हम बेकार हैं तौकी जी, निठल्ले हैं, वेले हैं, हमको काम करना है, मुद्राएं कमानी है, हमको निठल्ला नहीं बनना, हमको जूते से मार नहीं खानी। निठल्ला, जूते से पिटाई, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। मैं ज़रा नहा कर आती हूँ, तब आराम से बैठकर तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तुम लोगों को कुछ खाना पीना हो तो किचन में जाकर जो चाहे ले लो, और हाँ ज़रा इस ब्रीफ केस का ध्यान रखना। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। चलो भाई कुछ चैन पड़ा? हाँ मुझे तो पाइप पर चढ़ते हुए भूख लगाई थी। अरे भुक्कड़, मैं खाने की बात नहीं कर रहा, तौकी जी हमको कोई रास्ता दिखाएंगी ये सोचकर चैन पड़ रहा है। ओ वो हाँ वो तो है, जरा सॉस तो बढ़ाना। यार खाना खाओ पर ब्रीफ के ऊपर नज़र रखे रहना, तौकी जी ने कहा है। नज़र तू रख, मुझे तो इस खाने में मज़ा ही नहीं आ रहा, इसमें ना तो मच्छर पड़े और ना ही मक्खी। यार मास्टर ये ब्रीफ केस अंदर से कैसा होता है? मुझे क्या पता, मैंने कभी थोड़ी देखा थोड़ी ही है। आ चल देखते हैं, ज़रा पता तो चले कि ब्रीफ केस का करते क्या है। तौकी जी डांटेंगी। अरे उन्होंने इस पर नज़र रखने को कहा है, छूने को मना तो नहीं किया है ना, फिर क्यों डांटेंगी? सही बात है, आ देखते हैं। इसमें तो कागज ही कागज रखे हैं गड्डी बनाकर। ये कागज नहीं मुद्राएं हैं मूर्खों, इन्हें नोट कहते हैं, मनुष्य इसी से सारी चीज़ें खरीदता है, हमको यही तो कमाना है। पर इस मुद्रा की गड्डी बनाकर क्यों रखते हैं, इसका क्या फ़ायदा? ये देख, एक बार में 1 मक्खी और 2 मच्छर मारे गए। बस अब रख दे और ब्रीफ केस बंद कर, वरना तौकी जी खामा खामा नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन मुसीबत तो टोर्स का पीछा छोड़ने के मूड में नहीं थी। तुझे पक्का पता है कि वह अपार्टमेंट में अकेली है? हाँ यार, उसने अपार्टमेंट का ताला खुद खोला था।
तो फिर आ, ये चौथी मंजिल पर रहने वाले किचन की खिड़की कभी बंद नहीं रखते, हम उसी से अंदर घुसेंगे। ये लो, हम तो अंदर आ गए। आज फिर जीने की तमन्ना है, वह गाना गा रही है, यानी कि वह बाथरूम में। ये आवाज़ें सुन, आदमियों की आवाज़ें ड्राइंग रूम से आ रही हैं। तूने तो कहा था मैं अकेली है, टीवी चल रहा होगा यार, तू आराम से अंदर चल, बैग उठा और फूट ले। ये क्या है, ये क्या है? ये डॉक्टर जितने बड़े डॉक्टर बनते हैं, बनते जाते हैं, उतने ही बड़े मेडक लाने लगते हैं क्या? डर मत, 5 लाख का सवाल है, टूट पड़े मेडकों पर, हम 6 फुट हैं और ये 4 फुट के, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इनसे, इन दो से मैंने पढ़ता हूँ, उन दो को तू पीट ले। ओके, बड़े दिनों से बच्चों की पिटाई नहीं की, आज मजा आएगा। दोनों नकाबपोश टोर्स की तरफ लपके और उनके हवा में उछले शरीर हवा में ही रह गए। थाक थाक, खून खून, मैं तो मर गया, इन मेडकों ने मुझे ही काट डाला, माँ अब मैं आ रहा हूँ माँ। अच्छा, ये खून नहीं, हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस है, चिल्ला मत, तौकी जी सुनेंगी तो डर जाएंगी। तौकी तक भी ये चीख पुकार जा पहुंची थी। उफ, ये चारों फिर झगड़ने लगे, मेरे नहाने तक मेरे ड्राइंग रूम को जरूर स्टोर रूम में बदल देंगे, पर क्या करूं, ऐसे बाहर भी तो नहीं जाया जा सकता। टोट्स, शांति से बैठो, लड़ाई की तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ताक भड़ाक, देखा मैंने कहा था ना कि चिल्ला मत, चुपचाप मार खा, हमारा काम बिगाड़ देगा। इन्हें मुंह दबाकर पीटो। नहीं नहीं, ये कहीं पर भी गिरे आवाज़ तो आएगी आएगी, ऐसा करते हैं, इनको पीटते भी हैं और ज़मीन पर गिरने भी नहीं देते। वह कैसे? वह ऐसे, ले संभाल, क्या गेम है यार, मज़ा आ गया। थाक, इन्होंने तो मैं फुटबॉल बना दिया, ऐसे तो ये मैं पीट पीट कर 4 फुट का कर देंगे। थाक, अब ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा, मज़ा तो मुझे भी आ गया, ऐसे खेल कभी कभी खेल लिया करो यारो। ये गर्ल, रख मेरी पेनल्टी। किक और घूसे खाते खाते ही एक नकाब पोश ने हवा में ही वह स्प्रे निकाल लिया और खेल में मजबूर टोर्स इस वार से बच नहीं सके। अबे ये क्या, चीटिंग कर रहा। दूसरे नकाब पोश की भी अकल आ गई थी। ओह, ये स्प्रे तूने पहले क्यों नहीं निकाला, क्या बिना किक खाए तेरी अकल का इंजन स्टार्ट नहीं होता है? तेरे जैसे उसकी संगतों में रहकर अकल के इंजन में कचरा फंस गया है, अब बड़बड़ मत कर, दरवाजा खोलो, फूट ले। बाथरूम में, ओह, आवाज़ें आनी बंद हो गई, यानी टोर्स पर मेरी धमकी का असर हो गया है, अब मैं आराम से नहा सकती हूँ, जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोर्स को होश में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सुबह हो गई क्या? सुबह हो गई तो मुझे तारे क्यों दिख रहे हैं? सुबह नहीं हुई, गड़बड़ हो गई, वे दोनों तो भाग गए हैं। भाग नहीं था तो आए क्यों थे? ब्रीफकेस गायब है, यानी वे दोनों ब्रीफकेस लेकर भागे हैं। तौकी जी ने हमसे ब्रीफकेस का ध्यान रखने को कहा था, हम एक ब्रीफकेस का ध्यान नहीं रख सके, हम सचमुच निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, बेकार हैं। अब हम तौकी जी को क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, जब तक हम ब्रीफकेस ढूंढकर वापस नहीं ले आते तब तक तौकी जी को शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज की कॉमिक बिजनेसमैन के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।